नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, मैं मुजीबुल्ला और आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। अभी हम लौरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में एक ऐसे युवा प्रतिनिधि से मिल रहे हैं जिनके एक मन में एक सपना है, एक जोश है, एक जज्बा, एक उमंग है, एक एजेंडा है। जिन एजेंडों पे काम करने के लिए वो एक इतिहास रचना चाह रहे हैं, वो एक तारीख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इनके गांव में जो अब वार्ड नंबर 10 बन गया है, नगर पंचायत में आया है, जिसकी सड़कें इतनी गंदी हैं, नाले का निर्माण नहीं हुआ है और सारा का सारा पानी रोड ही पे बह रहा है, तो इनके मन में भी है। इनकी जुबानी सुनते हैं कि इनके मन की कहानी के इनके दिल में क्या है। सर, आपका शुभ नाम? जी, समीउल्लाह। ऐसा है सर कि पहले से तो हम राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे गांव में रोड और नाली का बहुत समस्या है। मुख्य रोड जो है हमारे गांव से जो शहर के लिए निकलता है, उस पर हमेशा पानी लगा रहता है यहाँ। और यहाँ स्थानीय जो पहले जो वार्ड या जो भी यहाँ पे थे, जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते थे, वो लोग काम नहीं कर पाए। और ये जो पंचायत जब भी था, उस समय भी दो वार्ड होना चाहिए था यहाँ, लेकिन एक ही वार्ड था। और यहाँ जो नया नियम जो लागू हुआ, नीतीश जी और सात निश्चय यहाँ पे जिसके अनुसार काम हुआ, उसमें भी बहुत बड़ा ये गांव है, उस अनुसार यहाँ राशि आया नहीं। यहाँ मुखिया लोग भी बताया हमको, जिस वजह से यहाँ काम पूर्ण रूप से हुआ नहीं। अभी यहाँ नाली का समस्या है और हमारा लक्ष्य यही है कि हम जीतें और अपने गांव का जो है विकास करें। नाली और रोड का समस्या जो है उसको दूर किया जाए सबसे पहले, यही पहला। एक चीज़ और, सात निश्चय की बात आई तो नल जल पे क्या काम हुआ है? नल जल, देखिए, नल जल जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। नहीं है जी, उसका रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, और नल जल कहीं भी दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए उसका शिकायत करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं, शिकायत करने से फायदा भी नहीं। अभी आपके एजेंडे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतिहास रचने जा रहे हैं? जी, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि गरीबों का हेल्प किया जाए, जिनके पास आवास नहीं है, खुद से आवास नहीं बना सकते हैं, उनको आवास जो है दिलवाने की कोशिश करेंगे हम, और नाली रोड यहाँ दुरुस्त करने का काम करेंगे। जिनका उम्र 60 बरस हो गया है, पेंशन है, उसका पेंशन करवाएंगे, यही लक्ष्य है। अच्छा लक्ष्य है कि जो असहाय हैं उनकी आप मदद करें, रोड और नाली बनवाएं और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनवाएं और पूरे लौरिया नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने में भूमिका निभाएं। सर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वक्त कम हुआ, कि आप अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 28 तारीख को वोटिंग है। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का कोशिश करें लोग। पहले से लोगों का हेल्प कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को राशन कार्ड बनवा देना, आधार बनवाना, ये सब काम पहले से हम करते हैं और आगे भी हम लोगों का सेवा करने का जो है संकल्प भी है। पहले से लोगों की सेवा करते हैं और आगे भी लोगों की सेवा करने का संकल्प लिए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 30 तारीख को नतीजे आते हैं तो जनता का आशीर्वाद और जनता की दुआएं इनको कितनी मिलती है, जनता का प्यार इनको कितना मिलता है और ये विजयी प्राप्ति कर पाते हैं या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प भी है और इंतज़ार भी करना पड़ेगा 30 तारीख तक। फिलहाल जो है आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ।